हेलो कैसे हो आप सब एंड हैप्पी एस्टोमिक ऑल ऑफ यू। तो आज आपको पता चल ही गया होगा कि दुर्गा पूजा का ब्लॉग बनाने वाली हूँ मैं, बट मैं हावड़ा एरिया की तरफ घूमने वाली हूँ। मैं आज के लिए मैं हावड़ा घूमने वाली हूँ, हावड़ा के पास पास में। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, मैंने अपना लुक चेंज कर लिया है और अभी हम लोग जाने वाले हैं घास बगान। तो चलो चलते हैं घास बगान। सो गाइस, हम लोग 5 मिनट ही वो आगे वॉक करके निकले और तब तक बारिश गिरने लगा। क्या 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 वेट, आप लोगों को क्या लगा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी? बट ऐसा नहीं है, बस आप लोग आगे तक देखते जाओ। गाइस, हम लोग आ चुके हैं घास बगान में और अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही चल चल के, और आगे चलिए चलते आपको पंडाल दिखाने। सो गाइज, मुझे ये पंडाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही। फर्स्ट जो इन्होंने राधा कृष्ण को बैठाया है सामने, और पीछे जो इन्होंने दुर्गा माँ का मूर्ति सजाया, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा 10 out of 10। नेक्स्ट पंडाल देखने, तो चलो चलते हैं। सो गाइज, मैं बाहर निकली तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, तो मैंने पेट पूजा किया, एक मिनी चोकोबार लिया और दही पापड़ी खाया मैंने, और उसके बाद नेक्स्ट पंडाल देखने चले। अब हम जा रहे हैं, अब दूसरा पंडाल देखने जा रहे हैं हम लोग। हो गया। सो गाइस, मैं ये पकोड़े खाने वाली हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। सो गाइस, मैंने एक यहाँ से लिया टेस्ट करने के लिए सिर्फ। सो इसका टेस्ट ठीक ठाक था, मस्टी मस्टी टाइप का था थोड़ा, तो इट्स ओके। सो गाइज, हम लोग और आगे बढ़ने लगे तो मेरे फूफा को एक टैटू शॉप दिखा, तो उन्होंने वहीं पे टैटू कराने लगा। तो उनके वाइफ का नाम था सुनीता और इनका नाम था राहुल, तो इन्होंने एस और आर लिखा लिया था, और मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा था। फाइनली मेरा नेक्स्ट पंडाल मिल गया, और आज मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। सो अब हम लोग थर्ड पंडाल देखने के खोज में निकल चुके हैं। अभी हम लोग गलियों पे भटक रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाए कहाँ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। Woo!
लोग और एक पंडाल देखने मिल जाए तो, और ऐसे वॉक करके ज़्यादा अच्छा लगता है घूमने में। गाइस हमने 3 पंडाल देख लिए हैं और अब चलते हैं 4th पंडाल देखने, तो चलिए चलते हैं। अगर आपने सुना नहीं हो तो मैं आपको फिर से बोल देती हूँ कि हम लोग घास बगान में घूम रहे हैं, तो चलो चलते हैं। गाइज मुझे फिर से भूख लगी है तो मैं पुचका खा रही हूँ। सो आप लोग सोच रहे हो कि पुचका क्या होता है? पुचका हम लोग बंगाल में गोलगप्पे को पुचका कहते हैं, सब लोग बताशे, गोलगप्पे एंड मेनी मोर सब लोग बहुत कुछ बोलते हैं। सो फाइनली मुझे और एक पंडाल मिल गया है एंड ये हमारा 4th पंडाल है। सो गाइज अभी हम लोग सालकिया पे हैं, हम लोग घास बगान से सालकिया वॉक करते करते और पैरों का पूरा धजिया उड़ गया है। दिल में मेरे आज क्या है। सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं। सो गाइस आई थिंक ये मेरा 5th पंडाल है। सो गाइस मैंने फिर से आइसक्रीम ले लिया है 2-in-1 स्ट्रॉबेरी एंड वनीला फ्लेवर। सो गाइज मैंने ये 2 पंडाल देखे एंड टाटा बाय बाय गुड बाय सी यू लेटर। नहीं मजाक कर रही थी, मेन पॉइंट तो बाकी है अभी, चलो देखते हैं। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो चलिए चलते हैं अभी हम लोग बस पे। नहीं तो चलिए चलते हैं हम लोग अब खाने कुछ, चलिए आइए। सो गाइज मैं आई हूँ होटल बिरयानी खाने के लिए एंड सॉरी बिकॉज मैंने होटल का नेम वीडियो नहीं किया, और बट मैं आपको बता सकती हूँ कि द नेक्सिक लाइन में है और आई ऑर्डर द चिकन बिरयानी बिकॉज इज वेरी फेमस इन बंगाल। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब घर, हम लोग का घूरना हो गया है। हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय कर दो सब लोग। मैं घर आ चुकी हूँ और आई एम सो टायर्ड और मुझे बहुत नींद लगा है, और मिलते हैं आपसे दूसरा व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, मुझे बहुत नींद लगा, बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कर दो।